एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन गिरिट एक्सप्लोरर। और ग्वालियर का ब्लॉग बनाया है, तो ग्वालियर की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो यहाँ पे एक ग्वालियर से 15-15 किलोमीटर दूर पे शीतला देवी का मंदिर है। मैं पहले भी कई बार आई हूँ और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और लोग कई लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है तो कार्ड खोल ले आते हैं। तो चलिए हम आपको वीडियो में शीतला देवी के दर्शन कराते हैं यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं, और यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी का रंग लाल है, तो लाल रंग की मिट्टी का बना हुआ होता है। जैसे जैसे कई तरह की मिट्टी होती है, काली मिट्टी भी होती है, तो यहाँ की मिट्टी लाल है। तो लोग यहाँ पत्थरों पे अपना घर भी बनाते हैं। लोग ऐसा मान्यता है कि अगर इसमें पत्थर पर घर बनाया जाए तो आपका उस जगह मकान बन जाता है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, पूरे टच सराउंडिंग में पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं मेरे, देखिए आप। मंदिर के अंदर आ गए हैं, प्रेमिसेस के अंदर, और ये लोगों ने इतनी सारी मन बांधी है। से हमारे तो वो गैया चराने गए खरबगा, तो गैया चराने अकाल पड़ा था उस टाइम पे, गैया चराने गए खरबगा गांव। तो मैया का मंदिर था, छोटा था, तो मैं बगल में रख बना लिया, गैया बनी बैठ जाती, मैं शाम को आ जाती, दूध काढ़ के मैया को खिलाती। डेली का रोज का काम था इनका दूध पिलाने का। तो बिलाते बिलाते को 2-3 महीने बाद मैया एकदम प्रसन्न है कि मैया बोले चल मैं तो अपने देश गांव को चलूँ तेरे गांव को। बोले मैया मैं चौक गया आदमी हूँ, मैं क्या ले जाऊँ तेरे को। बोले नहीं, हम तेरे गांव जाएंगे। तो बोले चलो कैसे हैं। बोले ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो बोले कैसे मानेगा। बोले मेरे दिखाए के तब मानूंगा। तो बोले कह दे अपने चौकियन थी चल मैं अपने देश को ठहर रही हूँ। तो मेरे लोग बाबा ने आके गाँव वाले ने दिखाई भाई बगल में पास में। बोले चलो भैया अपने गाँव ले चलो, और तो बरस आया निवादी के। तो मैया ने आए कि मैया दिखाई।
बोले मैया मैंने कह दी सिखाते, बोले कह दी, बोले हाँ, तो बोले चल ले चल, तो बोले या सन मानेंगे तो बोले अब गुसाई हो मेरे को पुजारी, वो गुसाई थी, बोले भाई मैया या सन से कह रही है और बोलो क्या करें, तो बोले नहीं या सन जान देंगे हम, बोले तो क्या सन जानेंगे, तो मैया जरा आएगी, तो मैया तो कही, बोले मैया नहीं या सन जानेंगे, तो वो गुसाई सीधा मंदिर में आड़ा लेट गया, बोले मेरे को खून के जाएंगे तो जान लूँगा नहीं मिल जाऊंगे, मैया लेके पीछे थे मर फोड़ दिया, मतलब दरार दे गया मंदिर, उसमें तो कड़ी के पहुँच गई गांध में, शाम गाय थी कल दी, वो गाय खड़कों में बैठी, बोले मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मैं कहता हूँ, बोले मेरी गाय दे रही गाय गैया मेरी बैठी रह जाएगी सोई मान लेना, देखें तो गैया बैठी रहेगी, बोले मैया क्या बात है, सुन मैया फटते ऐसी खनिया बन के दो बजे में खड़ी जाएगी, चल भैया चले आए, बोले मैया मैं क्या करूँगा भेजा के तो अकाल बरसा है नहीं है पानी है नहीं है, बोले चल पानी बसेगा, मैं तो लौटे जितने पानी बादल चढ़ गया, बादल बसन लगा, बरसा है गई, गांव वाले ने सिंह दे के गाँव बजा के दूसरे दिन दो दिन में आए पैदल है कि लाए आए गाँव बजा के गाँव में आके ले ली सब सगन ने धुम धमा के आए कि छोटा सा एक हमारी कच्ची पाठर थी भावानी की बस जाके बैठा थी बैठी, बोले मेरा मंदिर जही बना दो, यही मंदिर बना दिया, गांव वाले से आगे गाय बजा के मैया लाए गाय गैया वो दूध चढ़ा के पिला देते उनको, बस त्योहार प्रसन्न रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो आदमी हम भी तुम भी सिर्फ भी देख बेचें खाए चलो मैया आई मैया आई, फिर मैया बोली फिर दो दिन विश्राम थी क्या मैंने, तो बोले मैं अब जेनी रहूँगी मैं तो अब जंगल में जाऊँगी, ये तो यहाँ तो बहुत परेशानी आदमी सारे दिन सारी रात हम सवेर, फिर गाँव वाले ने गाँव आ गया मैया बाबा हमारी ले आए, आगे आगे शेर था पीछे पीछे बाबा, बोले मैया जी क्या है मुझे तो शेर खाए, बोले नहीं चल, तो बस चले आए पैदल पैदल मैया आगे आगे मैया आगे आगे शेर पीछे चले आए बाबा, इस जगह पे आए तो जिस जगह पे कुछ नहीं था जे जंगल बेटा बेबार आए के बस ये टोर रखी वो टोर में आए, बोले पीछे को मत ढूंढना और जाओ रोज जनता आगे दर्शन करो, मैं बड़े भागते पीछे एकदम पार में थे बर पानी की बरसात घर मछली बाबा पीछे उधरे पानी एकदम भेंग समा गया, मैया इसमें आगे टोर में आगे प्रसन्न है वहाँ फते बस वही फिर वो मंदिर बना दिया जे बाबा ने, बस वही फिर आदमी आने लग गया ये कि दो दो चार चार छः छः आदमी आने लगे जे दर्शन करवे के लिए रख दिए, बस धीरे धीरे मैया की कृपा भाई ध्यान लगे गैया का दूध चढ़ाते चुपाते शाम को लाते काड़ के उनको पिला देते बस साथ। कितने साल पुराना मंदिर है ये? जे कम 500 साल हाँ। आप ही की पीढ़ी ये सेना है लोग पूजा करते हैं। छठी पीढ़ी है। छठी पीढ़ी। पांच ही पीढ़ी है भाई। पांच ही यार प्रसन्न हैगी तो उनके संग में आ गई। सो आपने अभी पंडित जी के द्वारा सुना है कि शीतला देवी का कितने साल 500 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ की काफी मान्यताएं हैं और मैं दर्शन करती हूँ और बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो। कई सालों बाद आ रही हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी है। अब कितने साल पहले आई थी कि आई भी थी कि नहीं आई थी मुझे तो याद भी नहीं है कब आई थी।
टाइम हो गया और बहुत अच्छे दर्शन हुए क्योंकि बिल्कुल भी रश नहीं था। आज होली है और होली पे मुश्किल से 4-5 या 10-15 लोग होंगे और बहुत बिल्कुल भीड़ नहीं थी। ऊपर तक गाड़ी आ गई, काफ़ी शॉप्स बंद है, तो हमने सोचा चलो इस होली के सीज़न के इस चीज़ का फ़ायदा उठा के माता के दर्शन करने आना चाहिए, तो हमने आप दर्शन करने आए। और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन पर हिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।